नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल AmyBabble में। इस वीडियो में हम बात करेंगे Asus 6Z को लेके। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली ऑर्डर किया है कि Asus Zenfone या जेन वर्ड को इंडिया में यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक इंडियन कंपनी का ट्रेडमार्क है और इसी वजह से Asus Zenfone 6 का लॉन्च डिले हो गया था इंडिया में। और अब यही स्मार्टफोन Asus 6Z के नाम से इंडिया में आने वाला है। तो अगर आपको इसका लॉन्च डेट इन इंडिया और स्पेसिफिकेशन जानना है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Asus 6Z एक प्रीमियम रेंज स्मार्टफोन है जो कि हर कैटेगरी में इंप्रेस कर देने वाले एक्सलेंट फीचर के साथ आ रहा है। इसमें है 3D कर्व ग्लास बॉडी विथ एल्यूमिनियम फ्रेम, जिसके बैक में है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 और फ्रंट में है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन। Asus 6Z में है SDR10, 6.4 इंच नैनो IPS LCD डिस्प्ले जिसका रिजोल्यूशन है 1080x2340 पिक्सल्स, 100% DCI P3 और 403 PPI डेंसिटी जो कि इसके डिस्प्ले को बिग, ब्राइट और कलरफुल बना देता है। 6Z का टॉल 19.5:9 एक्सपेक्ट रेशियो, 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और रोटेटिंग फ्लिप कैमरा जो कि बैक और फ्रंट दोनों साइड में काम करता है, इसे अमेजिंग लुक प्रोवाइड कर देता है। और अगर आपको Asus 6Z के परफॉर्मेंस, मेमोरी और कैमरे के बारे में भी जानना है तो एंड तक ये वीडियो देखिएगा जरूर। Asus 6Z में है 5000mAh लिथियम पॉलीमर बैटरी जो कि 18 वाट वाली फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, जिसे क्विक चार्ज 4.0 भी कहा जाता है। वैसे ये बैटरी 3G नेटवर्क पर 33 आवर्स टॉक टाइम एंड 624 आवर्स स्टैंड बाय इस डिवाइस को प्रोवाइड कर रहा है और साथ में ये 10 वाट की रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। Asus 6Z में है डुअल नैनो सिम स्लॉट, वाईफाई, हॉटस्पॉट, GPS, ब्लूटूथ, NFC, USB टाइप सी और एंटरटेनमेंट के लिए FM रेडियो, स्टीरियो स्पीकर, 3.5mm ऑडियो जैक विथ DTS हेडफोन 10 जो कि आपको कमाल की ऑडियो क्वालिटी देने वाला है। 6Z रन करेगा जेन UI 6 पर जो कि एंड्रॉइड पाई पर बेस है और इसके बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ फेस अनलॉक भी, प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए। Asus 6Z आने वाला है ट्विलाइट सिल्वर और मिडनाइट ब्लैक कलर वेरिएंट में। Asus 6Z परफेक्ट कॉम्बिनेशन है एलिगेंस, कॉन्फ़िगरेशन और परफॉर्मेंस का। इसमें है ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि 2.84 GHz मैक्सिमम क्लॉक स्पीड पर काम करेगा और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट जो कि 7nm प्रोसेस बेस है। 6Z में है एडविनो 640 GPU और ये स्मार्टफोन आ रहा है 6 and 8 GB रैम वेरिएंट में जो कि स्मार्टफोन को स्मूथ और सीमलेस परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। दोस्तों, आप Asus के स्मार्टफोन के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। Asus 6Z में है UFS 2.1 स्टोरेज के साथ डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट जिसमें आप 1 TB तक का कार्ड यूज कर पाएंगे। वैसे ये स्मार्टफोन 64, 128 एंड 256 GB इनबिल्ट मेमोरी वेरिएंट में आ रहा है। Asus 6Z का मेन अट्रैक्शन है मैकेनिकल फ्लिप वाला कैमरा जो कि दोनों साइड बैक और फ्रंट में यूज होता है, जिसे Asus फ्लिप कैमरा कह रहा है। और इसमें है 48 एंड 13 मेगापिक्सल लेंस जिसका f1.8 एंड f2.4 अपर्चर है और साथ में कई सारे फिल्टर्स और मोड भी दिए गए हैं जैसे कि सुपर नाइट मोड, रॉ सपोर्ट और AI सीन डिटेक्शन भी। ये डिवाइस दुनिया का पहला डिवाइस है जो कि फ्रंट कैमरे से 4K वीडियो एट 60fps विथ EIS रिकॉर्ड कर सकता है और अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से कैमरा एंगल वॉल्यूम बटन के थ्रू एडजस्ट भी कर सकते हैं। Asus का कहना है कि अगर आप 28 सेल्फी पर डे 5 ईयर के लिए लेते हैं तो भी ये कैमरा खराब नहीं होगा और ये कैमरा अपने आप फोल्ड बैक हो जाएगा अगर ये आपके हाथ से गिर गया तो, जो कि मेन अट्रैक्शन है इस कैमरे का। Asus 6Z को आप ले सकते हैं इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक, ग्रेट कैमरा, बिग स्टोरेज, गुड बैटरी बैकअप और एक्सलेंट इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। और ये स्मार्टफोन इंडिया में 19 जून को लॉन्च हो रहा है 35,000 के रेंज में और आप इस स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट से खरीद पाएंगे। वैसे इस डिवाइस को टफ कॉम्पिटिशन मिलने वाला है OnePlus 7 Pro और सैमसंग गैलेक्सी A80 से। इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए AmyBabble को सब्सक्राइब या फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।